वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ना आज देखिए मौसम जो है धूप निकल गई है और मेरे 3 दिन से कपड़ों का ये चल रहा है कि कपड़े कहाँ डालूँ कहाँ नहीं डालूँ। तो आज जो फाइनली धूप निकली है और मैं डालने वाली हूँ, जितने भी कपड़े थे मैंने रात को उतार के अंदर रख दिए थे और अभी मैं इनको डालूँगी सभी कपड़ों को। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, फाइनली धूप इतनी नहीं है, बस ऐसे मौसम बदल गया, आज बारिश नहीं होगी तो मैं बस अपने कपड़े डालने वाली हूँ अभी। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं फिर से मैं डाल रही हूँ सब बाहर। 3 दिन तो मेरे कपड़े जो हैं इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई, इधर उधर ही होते रहे, कभी अंदर कभी बाहर डालती रही क्योंकि बारिश ही बहुत हो रही थी 3-4 दिन से। तो आज थोड़ी धूप निकली है तो मैं बाहर डाल रही हूँ। और ये ब्लॉग मेरा परसों का है तो इसे मैं अपलोड करना भूल गई थी, इसे पहले करना था तो फिर मैंने सोचा अभी कर दूँगी शाम को, क्योंकि इस चैनल पर आपको 2 वीडियोज़ तो देखने को डेली मिलती हैं, 1 सुबह 1 शाम। तो मैं अपना बहुत मेहनत कर रही हूँ और अपना बेस्ट दूँगी। प्लीज़ आप लोग जो अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जो मेरा ये नया चैनल है इसको ज़रूर शेयर कीजिए और आप फैमिलीज़ में भी शेयर कर सकते हैं और पूरा सपोर्ट कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 8 अगस्त से पहले पहले जो मेरा क्राइटेरिया भी कंप्लीट कराएंगे और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाएंगे। तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए और मैं बोलती हूँ बार बार कि अभी जो है मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। दूसरे चैनल पर भी मेरी 2 वीडियोज़ आती हैं, इस पर भी, उस पर मेरा चैनल कोई ठीक नहीं हुआ है, उस पर कोई मेरी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट नहीं है, लेकिन मैं 2 वीडियो उस पर भी डालती हूँ जो फॉलोवर्स हैं मेरे उनके लिए। और इस पर भी मेरी डेली 2 वीडियोज़ आती हैं। और आप लोग प्लीज़ इतना ज़रूर करना कि सपोर्ट दिखाइए बस अपना। और यहाँ पर जो सारे कपड़े मुझे फैलाने पड़े, जितने भी कपड़े थे दोबारा से मैंने फैलाए हैं, सारे जो है मैंने दोबारा से फैलाए हैं जितने भी, और इनको अब सूखेंगे फिर जब मैं उठा के रखूँगी। और इतने कपड़े थे आधे नीचे डाले हैं फिर आधे ऊपर मैं शिफ्ट करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने वाले भी, और धो तो मैंने इतने दिए और मुझे पता ही नहीं था इतनी बारिश हो जाएगी और मेरी डबल ट्रिपल मेहनत होगी। जब इंसान दुखी होता है ना तो उसके साथ ऐसी मिस हैपनिंग्स होती रहती हैं और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, तो पता नहीं मेरे काम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिर आज जो फाइनली जो है धूप निकली है तो मैंने जो अपने कपड़े हैं सारे बाहर डाले, जितने भी थे ना उठाकर सभी को डाला। और ये काम ना मेरा डबल ट्रिपल इसलिए हो गया, मैं आप लोग को बार बार बोल रही, तो सुबह घर के ही काम ऑलरेडी इतने सारे होते हैं, ऊपर से ये वाला काम, और इनको सुखाने के बाद मैंने बोला मुझे फोल्ड करके रखना सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन वो भी मुझे करना है और रखने भी है, क्योंकि फिर सारे कपड़े इधर उधर भी हो जाते हैं और ऊपर फैला हुआ घर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे बच्चे ही सारा दिन क्या होता है कि छोटा बेटा है मेरा, वो इतना टॉयज़ वगैरह इतना ज़्यादा काम बढ़ा के रखता है, फिर ये भी जो है ऐसे फैला रहे तो कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। फिर इस वजह से मुझे जो है ये कपड़े अगर आज के डेट में ही सूख जाए, धूप रही बारिश नहीं हुई, तो मैं इनको देखना अभी फोल्ड करके रखूँगी, ये जितना भी मैंने मार्केट लगा रखी है। और इनसे तो मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर आज धूप ना निकली ना तो मैं ये सारे कपड़े फिर से मशीन में रख दूँगी, जब धूप निकलेगी तभी डालूँगी, क्योंकि कितनी बार इनको समेटूँ, अंदर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, अंदर डालती हूँ मेरा बेटा इधर उधर फेंक देता है। तो बस फाइनली जो है ये धूप का जो है मैं आनंद उठा के फटाफट से डाल रही हूँ कि फाइनली, अब पहले मैं बोल रही थी बारिश हो जाए बारिश हो जाए, भगवान जी ने कि तो मैं मानसून का मौसम है तो होनी है, तो भगवान ने बारिश तो कर दी बरसा कर, और 3 दिन बारिश रखी और ये हमारे बाहर जितना भी है पानी पानी भर गया और बहुत से लोगों का नुकसान भी हो गया इस बारिश की वजह से। जैसे कि जो खेती वगैरह करते हैं हमारे घर के आसपास थोड़ी थोड़ी दूर पे खेत वगैरह हैं, तो वहाँ पर जो है जैसे वो बोला जाता है गेहूँ कनक जो चावल लगाते हैं पंजाबी में झोना बोला जाता है, वो सब डूब वूब गए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वजह से रुकी है तो अच्छी बात है, क्योंकि फसलें जो है ख़राब हो रही थी थोड़ी सी किसानों की। और फाइनली जो है ये मैंने कपड़े अपने हैं सारे डाल दिए, ये मेरी दो वो हैं जैगिंग वगैरह हैं, ये बात भी कर लेती हूँ, कपड़े तो मैंने सारे डाल दिए। 3 दिन से जो है यही काम चल रहा है मेरा कपड़ों का, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू लगातार बारिश हो रही थी, इस वजह से अभी सारे कपड़े मैंने डाले हैं और अभी मेरा घर का काम बचा है और आज ये सूख जाए, मुझे ये बारिश मतलब धूप इतनी तो नहीं निकली बट निकल जाएगी, मौसम चेंज है आज, तो बस अभी ये सारे डाल दिए और अभी मैं अपना जो है अंदर का काम करने जाऊंगी, घर का वो करना है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम है अभी भी मुझे। और फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगी प्लीज़ अपना जो सपोर्ट है बनाए रखिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। वीडियोस में अच्छी और भी लेकर आऊँगी अच्छी अच्छी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के रूल ना तोड़े मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि इस चैनल को भी मुझे
अब इसका क्राइटेरिया भी पूरा करना है और इस चैनल को मोनेटाइजेशन भी करवाना है, तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट करते रहिए। और अभी देखिए आज का ये ब्लॉग मैं जो शूट कर रही हूँ, आज 21 है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 8 अगस्त तक, जब तक मेरा बर्थडे आने वाला है, उस दिन मैं हैप्पी रहना चाहती हूँ। क्योंकि जितना भी आप मुझे ये देख रहे हो ब्लॉग्स, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ और बहुत दुखी है मन। जो हो गया मेरे दूसरे चैनल में वो तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये उम्मीद करती हूँ जैसे आपने उस पर प्यार दिया इस पर भी वैसे दीजिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ और गिफ्ट होगा कि आप मेरा वर्स्ट टाइम कंप्लीट करवाइए और मुझे वैसे प्यार दीजिए जैसे उस चैनल पे देते थे। तो बस मैं उम्मीद यही करती हूँ और मैं अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। और मैं इतनी, आप मानेंगे कि मैं मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ, 2 वीडियोज इस पर डेली अपलोड करती हूँ, 2 दूसरे चैनल पर भी डालती हूँ प्रीति लाइव ब्लॉग्स में, उसमें मुझे कोई अर्निंग नहीं होने वाली, लेकिन आप लोग देखते हैं, वॉच करते हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मिलूंगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।